जल्दी आइए, देखिए हम विश्व की सबसे बड़ी घड़ी देखने चल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये। तो अभी हमें दुनिया के सबसे बड़े सनडायल क्लॉक के पास, बड़ा जिसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम है, आप जाकर चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पे धूप जो पड़ती है, आप वहाँ पे जो जितने वाइट मार्बल से देख रहे हो, एक वाइट मार्बल जो एक वाइट वाइट मार्बल है उसका गैप है 15 मिनट्स, ठीक है। तो आप वहाँ देख कर पता कर सकते हो कि अभी की टाइम क्या हो रही है। पहले आप इस क्लॉक के बारे में बताइए कुछ हमें। ये विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है ऑन रिकॉर्ड, संसार में कहीं इतनी बड़ी घड़ी नहीं बनी जिसमें एक्यूरेसी 2 सेकंड है। 30 मीटर हाइट है ये। अच्छा। और वन साइड, एक साइड जो है वो 24 मीटर का डायल है, मतलब जो डायल का एल्टीट्यूड है वो 24 मीटर इस साइड भी और उस साइड भी, इस साइड भी, और जो टॉप मोस्ट है वो है आपको, ये 30 मीटर है हाइट। तो ये जो 30 मीटर हाइट बनाई, इसी की वजह से ना शेडो पड़ता होगा, इसी की वजह से शेडो पड़ता है। उस टाइम ये कैलकुलेशन कैसे करा गया था? इसका एक प्रिंसिपल है। अच्छा। कि जितनी बड़ी आप हाइट रखेंगे, जितनी ऊंचाई रखेंगे, सरफेस जो आएगा उसका डायमीटर उसका पैरेलल आना चाहिए। जैसे मध्य जो आप देख रहे हैं लाइन, हाँ जी देख रहे हैं मध्य लाइन, हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। इससे डायल का लास्ट कोना या इधर वाला कोना देखो, दोनों पैरेलल आए हुए हैं। अच्छा। देखा, बिल्कुल पैरेलल है। मेरे हाथ को देखो आप, बोथ आर पैरेलल लाइक दिस वॉल, है ना, ऐसे पैरेलल है। तो उसमें 360 डिग्री का जो हमारा टोटल सर्किल होता है, तो ये एक साइड का ये हो गया 90 डिग्रीज का क्वाड्रांट कहेंगे, ठीक है ना, क्वार्टर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझे, जैसे सेमी सर्किल का और हाफ कर दिया। तो ये 30 मीटर हाइट पे बैठ के राजा रात के समय स्टार गेजिंग करते थे। अच्छा। यहाँ हमारे इसके ऊपर, और जयपुर शहर में हमारे गुरु पूर्णिमा के दिन ये बरसों से चली आ रही है, एक जो उस समय से वायु परीक्षण करते थे कि जयपुर में मानसून कैसा रहेगा। अच्छा। अब देखिए ये कितना साइंटिफिक है कि जयपुर की भौगोलिक स्थिति यदि आप देखें देश के साथ जोड़ के, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जयपुर शहर इस नक्शे में इस जगह आता है, और हमारे यहाँ आने वाला मानसून नीचे साउथ से आता है। तो साउथ से उस समय यहाँ एक झंडा लगा के और वायु परीक्षण करते कि हवा किस तरफ आ रही है। अच्छा। अगर हवा साउथ से नॉर्थ आ रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ मानसून तेजी से आ रहा है। अच्छा, अच्छा आएगा, और अगर वायु विपरीत चल रही है तो वो रोक रही है उसको, तो मानसून को, तो देरी से आएगा और अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं। इस प्रकार मानसून की घोषणा करते थे। बताओ यार, ये पुराना वैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक। अभी तो आपके फोन में वेदर फॉरकास्टिंग ऐप, आप एक क्लिक पे सब कुछ जान जाते हो, लेकिन सोचो उस टाइम ऐसा करना कितना अमेजिंग था अपने आप में। वैज्ञानिक तरीका कितना अमेजिंग था, बिकॉज पहले उतने रिसोर्सेज नहीं थे ना, मतलब उतने कम रिसोर्सेज में भी कोई इतना बड़ा सोच ले, तो ऑब्वियस ही बात है आज से 250-300 साल पहले की बात, 300 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं उस समय। तो ऐसा मान लो गाइस, आप अभी 300 साल पहले चल रहे हो और आपको ये बताया जा रहा है कि आज से 300 साल पहले यहाँ का क्या वातावरण रहा होगा, और हर वो चीज़, बड़े बड़े ज्योतिषी आते थे। हाँ जी, हाँ जी। आम पब्लिक इसमें नहीं आती थी। अच्छा। उनका कोई सरोकार नहीं था। अच्छा। राजा के महल के अंदर ये बना हुआ है। अच्छा। सामने राजा का महल है, वो झंडे लगे हुए दो, ये उनका कंपाउंड है, इसी में यही आके राजा स्वयं बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अन्य ज्योतिषी लोग यहाँ आते थे। ये तो मैंने भी पढ़ा कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना, राजा जयसिंह जी को, सवाई जयसिंह को, इसीलिए उन्होंने ये जहाँ जहाँ वो रहे एक एक ऑब्जर्वेटरी वहाँ बनाते रहे। अब अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, सामने जो एक इन्होंने उस समय का ऐसा यंत्र बनाया जिससे दिन और रात की अवधि का ज्ञान किया जाता था, जानकारी मतलब, ली जाती, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का। अच्छा अच्छा, तो दिन कितने घंटे का है, रात कितने घंटे की है, बड़ा वैज्ञानिक तरीका था। अच्छा अच्छा, तो उसे कहते हैं चक्र यंत्र। चक्र यंत्र जी, हाँ। उसका नाम है। तो सबसे पहले हम चक्र यंत्र को देखने चल रहे हैं, ये सामने हमारे, हाँ जी, और इसमें हम देखेंगे अभी, हाँ जी, क्या पोजीशन है सूर्य की। अच्छा। जयपुर से सूर्य कितना दूर है। अच्छा। इधर आइए दिखाएं आपको चक्र यंत्र।
अब आप इस चक्र यंत्र को देखिए कितना वैज्ञानिक तरीका है। ये बीच में ये एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, जैसे जयपुर शहर का उन्होंने ध्रुव तारे से पता किया कि जयपुर लैटीट्यूड 27 डिग्री है, यानी जयपुर इक्वेटर से 27 डिग्री नॉर्थ में है। तो इसका मतलब इक्वेटर जयपुर से 27 डिग्री साउथ में हो गई। तो यहाँ इस जेनिथ पोजीशन से वर्टिकली से 27 डिग्री ऐसे टिल किया गया। देखो ये दिस मतलब फ्रॉम हियर दैट इज टिल्टेड 27 डिग्री एग्जैक्ट, सो पॉइंटिंग टू द इक्वेटर। जब सूरज इक्वेटर पे होगा तो हम यहाँ स्टिक लगाएंगे तो स्टिक की शेड सीधी नीचे आएगी। इधर आओ थोड़ा, देखो ये शेड सेंटर से थोड़ा उधर टर्न हो रही है। इधर जो है ये नॉर्थ है, तो शेड अगर नॉर्थ की तरफ टर्न हो रही है इसका मतलब सूरज थोड़ा साउथ की ओर है। तो 23 सितंबर से सूरज साउदर्न में जा रहा है, तो शेड उधर जा रही है। अब देखो ये नीचे इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर को सूरज यहाँ होगा, 21 जून को यहाँ होगा। अब आज कहाँ है, इधर देखो आप इस जगह। अब हम इसको यहाँ ला रहे हैं, बहुत ही पास। देखो आप कहाँ हैं, देखो आप ये शेड नीचे आ रहा है। अटना भैया थोड़ा पीछे देखो कहाँ आ गया शेड, टू पॉइंट 0.12। सन इज 2 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर टूडे। आज मतलब इक्वेटर से 2 डिग्री साउथ में है। 23 सितंबर को यहाँ था, दिन रात बराबर थे, ठीक है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अब रात थोड़ी लंबी हो रही है, दिन छोटा हो रहा है। जब ये शेड यहाँ पहुँचेगी तो रात 13 घंटे की हो जाएगी, या रात 14 घंटे की हो जाएगी, दिन 10 घंटे का रह जाएगा। लेकिन जब शेड वापस आएगी फिर दिन यहाँ 11 घंटे का हो जाएगा, यहाँ 12 घंटे का, फिर यहाँ दिन 13 घंटे का, फिर ये 14 घंटे का। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे। तो इनसे दिन और रात की अवधि पता करते थे। ये उस समय का वैज्ञानिक तरीका था, वेरी साइंटिफिक। सही बात है। अब हम देखने चल रहे हैं रामा यंत्रा। रामा यंत्रा से हम एल्टीट्यूड एंगल, अच्छा, और एजीमुथ। अच्छा, एजीमुथ है हमारी पृथ्वी का एक रोटेशन, एक चक्र, एक चक्र लाइक जो 24 आवर्स में होता है। रोटेशन। अब इसमें अंदर आइए आप, चलिए। अब इसमें देखिए ये बीच में जो पोल है, इस पोल का शेड ये रहा। जल्दी से देख लो, आप फोटो ले लो। ये देखो पोल का शेड वहाँ है, सब ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है। और लेफ्ट साइड देखो नंबर है, हाँ, वो 25 नंबर है। शेड जो है 26, 27 शेड, यानी कि 30 और 25 के बीच में है। 27 पे। इधर मेरी तरफ देखो, सुबह जब सनराइज होगा सूरज ईस्ट में बिल्कुल नीचे यहाँ होगा, धीरे धीरे सूरज ऊपर आएगा दोपहर 12 बजे तक। तो उस समय ये शेड सामने की तरफ होगा, ऊपर, ऊपर से नीचे आएगा। 12 बजे बाद धीरे धीरे सूरज ऐसे नीचे जाएगा तो शेड ऊपर जाएगा। अभी 27 पे है। इस समय जयपुर में सूर्य 27 डिग्री क्षितिज से ऊपर है। राइट नाउ सन इज 27 डिग्रीज अबव द होराइजन, वेस्ट के 27 डिग्री ऊपर है। अब धीरे धीरे 27 डिग्री और नीचे उतरेगा, शेड ऊपर पहुँचेगा, सनसेट हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, ये 360 डिग्री का सर्कल है। हाँ, ये सर्कल हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है लट्टू की तरह, ठीक है। 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा हो जाता है। तो इससे हम पूरे विश्व का समय निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा आप इधर आइए। इसमें देखिए ये जो मध्य सेंटर लाइन है, मध्य ये जो लाइन है, इस लाइन में ऊपर है 0। अच्छा, सबसे ऊपर। हाँ, फिर वहाँ से 10, 20, 30, 360 डिग्री में डिवाइड किया। अच्छा, तो जिस समय इस पोल की शेड 0 पे होती है, हाँ, 0 डिग्री, दैट इज मेरिडियन। सो जयपुर में नून हो रहा है। अच्छा, और नून के बाद सूरज धीरे धीरे ऐसा वेस्ट की ओर जाएगा उधर। हाँ, तो शेड इधर आगे चलती आएगी। अच्छा, अभी शेड यहाँ आ गई। ऊपर वाला नंबर देखो, वहाँ ऊपर एक और नंबर है, वो देखो। हाँ, सबसे ऊपर 72। राइट नाउ सन इज 72 डिग्री वेस्ट फ्रॉम जयपुर, यानी जयपुर वहाँ, जब वहाँ थी ये शेड जयपुर में नून हो रहा था। हाँ, अब शेड जयपुर से 72 डिग्री इधर आ गई, यानी सूरज जयपुर से 72 डिग्री वेस्ट में चला गया। हाँ, तो 72 डिग्री वेस्ट ऑफ जयपुर बिटवीन पेरिस एंड लंदन, इट इज़ नाउ 12 o'clock नून, लंदन के पास नून होने वाला है। ये यूरोप है। अच्छा, ये यूरोप है ना, वो इंडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि व्हाट टाइम, फिर उधर ऑस्ट्रेलिया, समझ गए, यानी न्यूजीलैंड में अभी मिडनाइट हो रही है, इसके अपोजिट न्यूजीलैंड आ रहा है।
अच्छा क्योंकि हम एक जयपुर के टाइम से मतलब ये देख सकते हैं जयपुर के जयपुर से सूरज कितना आगे गया आगे गया। तो एक ऐसा पॉइंट बनाया जो ये दर्शाता है भाई ये जब शायद यहाँ होगी तो जयपुर में नून हुआ और फिर शायद धीरे धीरे गोले में आगे बढ़ रही है जैसे पृथ्वी घूम रही है। तो ये बता रहा अब सूरज कितना आगे पास हो गया इसे कहते हैं पास्ट मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ द सन मतलब वो जो राम यंत्र है ठीक है ना उससे हम ये जान सकते हैं कि सिर्फ जयपुर नहीं विश्व भर में किस जगह पे कितना टाइम हो रहा है ना जयपुर से सूरज कितना आगे गया उससे हम पता कर सकते हैं। वहाँ इस कौन सी कंट्री है अच्छा तो वहाँ इस समय नून हो रहा होगा। अच्छा तो ये राजा सवाई जयसिंह जो थे बहुत विद्वान राजा थे खगोल शास्त्री थे इन्होंने स्वयं इसकी पढ़ाई करी इसका प्लान इन्होंने 1718 में किया 1718 से 1728 10 वर्ष ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहे और 28 से 34 6 वर्ष फिर इन्होंने इसका सारा ये कंस्ट्रक्शन किया। तो अब ये विश्व की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है हम लोग इसे एंड करने जा रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों के लिए कुछ और पूछना चाहें। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है जी हाँ कि ये जो जगह है ठीक है आप यहाँ पे कितने दिनों से हो? मैं लगभग ज्यादा नहीं है थोड़े से दिन हुए 35 वर्ष। अच्छा 35 वर्ष थोड़े दिन तो नहीं होते फिर भी जस्ट फ्यू डेज ओनली 35 इयर्स आई एम वर्किंग हियर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का 35 साल से जब आपको ये बात समझ में आती विश्व में सबसे बड़ी सन क्लॉक हमारे जयपुर में है ऐसे ऑब्जर्वेटरी जो कि मतलब उस टाइम सोचना इम्पॉसिबल था। लाइक मैं अभी विकिपीडिया पे देख रहा था जो वॉच का इन्वेंशन हुआ वो 1868 में स्विट्जरलैंड में हुआ था किसी स्विस ने किया था। बिल्कुल तो 134 साल पहले ये बनाया गया बिल्कुल 1734 में 68 में ये हुआ था स्विट्जरलैंड में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और 1734 में हम यहाँ बनाकर तैयार थे जी हाँ एक ऐसा तरीका। हाँ जी तो इस पे आपका क्या कहना है? यानी हमारे भारत देश में एक जयपुर जैसे शहर में एक इतना बड़ा आविष्कार उस समय हो गया 18वीं सदी में राइट। और ये सुनकर दुख होता है कि जब अमिताभ बच्चन अपने केबीसी पे ये पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ है तो उसका जवाब कोई नहीं दे पाता है। बहुत सही बात बोली आपने। यानी हमारे देश में अभी इन चीजों की जानकारी और रुचि लोगों की नहीं है, नहीं है। तो आज जो विश्व रिकॉर्ड है विश्व धरोहर की उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आज जो YouTube पे जो हम ये ब्लॉग्स बनाते हैं मैंने भी काफी ये लोड किए हैं तो ये जब दर्शक देखते हैं उनकी रुचि दिन ब दिन बढ़ रही है बिल्कुल। और आप जैसे युवा जो आज मेहनत कर रहे हैं इससे लोगों का ज्ञान वर्धन भी हो रहा है लोगों को ये जानकारियाँ मिल रही है। तो ठीक है मैं समझता हूँ काफी आपको ठीक लगा हो। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ आप इसको देखिए चैनल को देखिए बहुत अच्छा। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज मैंने आपको अभी दिखाया ये सारा ब्लॉग ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यार यहाँ पे वीडियोस देखना एक अलग चीज़ होती है लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो ना उसका वाइब बहुत डिफरेंट है क्योंकि आप थोड़े देर के लिए आप भूल जाते हो कि आपने जो हाथ में घड़ी बांधी है उसका कोई यूज है या नहीं है ठीक है। आप कुछ याद अगर आपको रहता है तो बस इतना रहता है आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई साहब ऐसा कैसे अभी कोई नहीं मैं मास्क हटा देता हूँ आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई साहब ये किसने किया और कैसे हुआ इतनी चीज़ें। आप एक एनालॉग तरीके से पूरे दुनिया भर का टाइम निकाल लेते हो आप जंतर मंतर जयपुर में आकर आप समझ रहे हो। आप इस चीज़ को एक बार इमेजिन करके देखो कि आप एक जगह खड़े हो कुछ नहीं एक दीवार बनी हुई है और कुछ लोहे के काम है जो आपको ये बताते हैं कि पूरे दुनिया भर में कितना समय हो रहा है अभी। वाकई में मुझे तो ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि अभी मैंने देखा उन्होंने तुरंत बताया मुझे कि यूरोप में अभी इतना टाइम हो रहा लंदन में इतना टाइम हो रहा है पेरिस में इतना टाइम हो रहा तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज कीप वॉचिंग कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग मी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग बाय टेक केयर।